इल्म, ये जो इल्म लफ्ज़ ही है, अगर कुरान पढ़िएगा तो अगर आप काउंट कीजिएगा बैठ के, तो ये सिर्फ इल्म लिखा हुआ 80 मकाम पे आता है, 80 टाइम्स इल्म। और इल्म के साथ रूट वर्ड, मतलब रूट वर्ड बोला जाता है अरबी का कोई भी वर्ड है, यालमून तालमून, वहाँ भी इल्म आता है, तो उसका आता है 180 से ज़्यादा। मैं काउंट कर रहा था कि कुरान में कितनी जगह पर इल्म है, नॉलेज लिखा हुआ है, इल्म की बात लिखी हुई, तो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा बार आया हुआ है इल्म के बारे में। आप कुरान पढ़िएगा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 32, सुभानका ला इल्म लना, फरिश्तों ने क्या कहा कि पाक है आप अल्लाह और हमको इल्म नहीं है। आप सूरह बकरा पढ़िएगा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151, तो उसमें क्या लिखा हुआ, रसूल क्यों आते हैं, लियुअल्लिमकुम, ताकि आपको क्या सिखाए, रसूल आने का मकसद क्या होता है, आपको इल्म सिखाए, ताकि आपको इल्म दे। आप कुरान पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 7, तो वहाँ भी इल्म, वर्रासिखून फिल इल्म, कि कुरान में दो तरह के आयतें हैं, मुतशाबे आयत है और एक मोहकम आयत है, तो जो रासिखून जो इल्म वाले हैं उनको पता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। आप कुरान पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 18, उसमें लिखा हुआ शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह गवाही देता है कि उनके अलावा कोई भी इला नहीं, व मलाइकतु और फरिश्ते, व उलिल इल्म, और कौन गवाही देता है, इल्म वाले, अल्लाह ताला गवाही दे रहे, उसके बाद अल्लाह बोल रहे फरिश्ते गवाही दे रहे, और कौन गवाही देता है, इल्म वाले लोग। तो ये सारी फजीलत पे इल्म के बारे में बहुत सारी आयतें हैं। सूरह निसा पढ़िएगा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, अभी कल दो दिन पहले जो संडे गुजरा उसको बोला जाता है ईस्टर, ईस्टर का संडे बोला जाता है, ईस्टर बोला जाता है, ईसाई लोग बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मर के ज़िंदा हुए और उन्होंने मेरा बोझ उठा लिया। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वमा कतलुहु वमा सलबुहु, अल्लाह ना ही उन्होंने उनको कत्ल किया ना ही सूली पर चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिया लहु, उनको इस बात का शक हुआ, उनके जगह पर किसी और को सूली दिया गया, व इन लजीन अख्तलफुफी, और जो भी इस पर इख्तलाफ करते हैं उनको वो सिर्फ अपनी बातें, वो सिर्फ ख्याल कर रहे हैं, इत्तबाअज़न, वो सिर्फ ख्यालों में है, मा लहुम भी इल्म, उनको कोई इल्म नहीं है। तो इल्म के बारे में बहुत सारी आयतें। एक और बहुत ही अच्छी आयत सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 43, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकाल लजीना कफरू, के काफिर लोग कहते हैं आप लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं है, कुल कफा बिल्लाही शहीदन, के काफ़ी है अल्लाह गवाही देने के लिए, वह बैनी व बैनकुम, तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान, और जिसके पास किताब का इल्म है, जो किताबों को पढ़ता है, जो इन बुक्स को पढ़ता है, उनको पता है कि आप रसूल है, इसमें लिखा हुआ है कि आप रसूल है, लेकिन कौन गवाही दे रहा है इसका, अल्लाह ताला।